बेगूसराय जिला के बखरी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उच्च विद्यालय गढ़पुरा के प्रांगण में विजयादशमी के शुभ अवसर पर सोमवार को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जाप प्रत्याशी पूर्व विधायक रामानंद राम को अपार बहुमत से जिताने के लिए लोगों से आशीर्वाद मांगा। आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए जाप सुप्रीमो ने कहा कि इस समय पूरा देश कोरोना के कहर से कराह रहा है, लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। पिछले 7 महीने से पूरे बिहार के गरीब गुरबा खून के आंसू बह रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एसी में बैठकर लोगों को सांत्वना दे रहे थे, और जब आज चुनाव का वक्त आ गया है तो उड़न खटोला से उड़कर आप लोगों के बीच सहानुभूति बटोरने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार पर भी जमकर बरसे जाप सुप्रीमो ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से गरीबों की आवाज बनकर देश की गद्दी पर बैठे हैं, उसी प्रकार से गरीबों का शोषण एवं दोहन कर देश को बेचना चाह रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को जीने का हक दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की हर विधि व्यवस्था को निजीकरण कर दिया है, चाहे रेलवे की नौकरी हो, बैंक की नौकरी हो या अन्य प्रकार की नौकरी। शिक्षा के क्षेत्र में सिलेबस चेंज कर दिया है और इसके अलावा भी कई और असुविधाएं उत्पन्न कर लोगों को ठगने का काम किया। ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री और नेताओं से आप लोग सचेत हो जाएं, नहीं तो आने वाले दिनों में यह लोग पूरे प्रदेश की जनता को शोषण एवं दोहन और भी बढ़ चढ़ कर करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से हमारी सरकार बिहार में बनती है तो हर गरीब, नौजवान, बेरोजगार किसानों के चेहरों पर खुशहाली लाने का काम करूंगा। हमारे कार्यकाल में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिस घर में 20 से 30 हजार की रुपए के बीच की आमदनी नहीं होगी। कोई बेरोजगार ऐसा नहीं होगा जो अपने पैर पर स्वावलंबी न बनकर दूसरे के भरोसे रहेगा। कोई भी शिक्षित युवक या युवती ऐसी नहीं होंगी जिसकी पढ़ाई के लिए मैट्रिक के बाद माँ बाप के भरोसे रहना होगा। हर बच्चों की पढ़ाई के लिए 8 हजार रुपए प्रत्येक महीने उसके खाते में भेजा जाएगा। इंटर पास बच्चियों के लिए स्कूटी, बच्चों के लिए बाइक की व्यवस्था, हर बेरोजगार को लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए 3 वर्ष तक बिना ब्याज की पढ़ाई देने के लिए लोन देने का काम करूंगा। वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत मिलने वाली राशि प्रत्येक लाभुकों को प्रत्येक महीने में 28 तारीख को 3 हजार उनके खाते में भेजने का काम करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की घोषणा करते हुए कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हर चौके चौराहे पर सभी पदाधिकारी अधिकारियों के चैम्बर में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि राह चलते कोई बच्ची छेड़े ना। किसी भी ऑफिस में गरीब गुड़वा के अधिकारी पदाधिकारी चमचे ठगने का काम नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो या ये लोग रहेंगे या पप्पू यादव रहेगा। CCTV कैमरा रूम में छोड़ देंगे, स्कूल में CCTV कैमरा, ब्लॉक में CCTV कैमरा, कलेक्टर के ऑफिस में CCTV कैमरा, मुख्यमंत्री और मंत्री के चैंबर में CCTV कैमरा, हर 4 फ्लोर के बाद CCTV कैमरा, हर बाजार में CCTV कैमरा। और उस CCTV कैमरा में यदि किसी से घूस लेते हुए दलाल दिख गया, बिचौलिया दिख गया, किसी बच्ची को छेड़ते दिख गया, बाजार में किसी व्यापारी को धमकाते दिख गया, किसी कमजोर को दबंगई करते दिख गया, जात पात करते कोई दिख गया, किसी जात को गाली देते दिख गया, हिंदू मुसलमान करते दिख गया, गोली चलाते दिख गया, हम उसकी जिंदगी मौत से बदतर। इसके अलावा गरीबों और गरीबी पर फोकस करते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार में हर महीने 60 किलो आटा, 40 किलो चावल, 5 किलो दाल और 20 किलो आलू और नमक, 5 किलो तेल मुहैया कराने का भरोसा दिलाया। हर गरीब परिवार को 60 केजी आटा, 40 केजी चावल, अरवा चावल नहीं मोदी वाला, उसमें चावल, 5 किलो दाल, 20 किलो टमाटर आलू और 5 लीटर तेल 28 तारीख को हर गरीब पर पप्पू यादव का आपको पहुंचा। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय यादव ने किया, वही मन संचालन गंगा प्रसाद यादव कर रहे थे। मौके पर दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जनसभा को संबोधित किया। बेगूसराय से प्रदीप झा की रिपोर्ट।